Welcome to our YouTube channel. My name is Naveen Chagwal. Today question है illustration 20. कौन सा अभी illustration 20 19 तक हम कर चुके हैं, अब कर रहे हैं illustration 20. फिर tomorrow next topic discuss, next new topic discuss करेंगे हम tomorrow को. तो today हम जो question कर रहे हैं illustration 20 कर रहे हैं. तो बच्चों एक बार क्वेश्चन नंबर 20 को हम रीड करते हैं. क्या है क्वेश्चन नंबर 20? एक कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए पार पेबल एज अंडर ऑन एप्लीकेशन 2 rupees ऑन अलॉटमेंट 1 फर्स्ट कॉल 3 फाइनल कॉल 4 पर शेयर 4 months आफ्टर फर्स्ट कॉल. 4 महीने बाद फर्स्ट कॉल दी जा रही है, फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के 4 महीने बाद दी जा रही है. अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वॉट ड्यू इशूड. ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट की अमाउंट क्या होगी, रिसीव होगी. वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 shares कुड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी इन टाइम. कह रहे एक शेयर होल्डर ऐसा है जो फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं करा. अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 2,000 shares पेड द फाइनल कॉल मनी अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल. एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने फाइनल कॉल की पेमेंट भी किसके साथ कर दी, फर्स्ट कॉल के साथ. फाइनल कॉल वाज मेड, जब फाइनल कॉल मंगाई गई, ऑल द शेयर होल्डर पेड इन फुल, सभी शेयर होल्डर ने सारी पेमेंट कर दी. फर्स्ट कॉल एरर इन 1,000 shares वर आल्सो इश्यूड एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल. जो फर्स्ट कॉल के 1,000 shares जो एरर थे, जो बाकी थे, वो भी फाइनल कॉल के साथ क्या हो चुके हैं, रिसीव हो चुके हैं. एक कंपनी है उसने 50,000 shares इशू कर रही है, 10 rupees ईच है, एप्लीकेशन की 2 rupees, अलॉटमेंट की फर्स्ट 1 rupees है, फर्स्ट कॉल के 3 है, फाइनल कॉल के 4 है. फर्स्ट कॉल के 4 महीने बाद फाइनल कॉल मंगाई जा रही है. अलॉटमेंट और एप्लीकेशन अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव हो चुकी है. एक शेयर होल्डर ऐसा है जो फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं कर रहा. दूसरा शेयर होल्डर ऐसा है जिसने 2,000 shares की पेमेंट फाइनल कॉल की पेमेंट फर्स्ट कॉल के साथ कर दी. 2,000 shares की फाइनल कॉल की पेमेंट फर्स्ट कॉल के साथ कर दी. जब फाइनल कॉल मंगाई, सभी शेयर होल्डर ने पूरी पेमेंट कर दी है. जो फर्स्ट कॉल के 1,000 share एरर थे, वो भी फाइनल कॉल के साथ क्या हो चुके, रिसीव हो चुके. मेक एंट्री इन द कंपनी जनरल ट्रांसफर रिलेटिंग टू फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल. ओनली एंट्री हमें किसकी करनी है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की. क्लियर? अब देखो, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चों. देखो ये सॉल्यूशन है, जनरल एंट्री कर रहे हैं डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट. तो पहले फर्स्ट कॉल किसकी एंट्री करेंगे, ड्यू की. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 × 3 150,000 अब रिसीव की. बैंक अकाउंट डेबिट, अब कह रहा है कि एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने फर्स्ट कॉल पे 1,000 की पेमेंट नहीं किया, और एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने फाइनल कॉल की फर्स्ट कॉल साथ क्या कर दी, पेमेंट कर दी. तो जो पेमेंट नहीं हुई उसको तो हम डेबिट कर देंगे, जिसकी पेमेंट हो चुकी उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट. ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉलिन एरर किसके लिए, जिसकी पेमेंट नहीं हुई. कॉलिन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू कॉलिन एडवांस. एरर कितना है, 1,000. फर्स्ट कॉल कितनी, 3. 1,000 × 3 = 3,000. कॉलिन एडवांस कितना है, 2,000. फाइनल कॉल कितने की, 4 की, 8,000. फर्स्ट कॉल कितने की थी, 150 की, 150. ठीक है भाई, 150,000 प्लस 8 158,000 रिसीव होने से 158,000 रिसीव होने से 3,000 रिसीव नहीं हुए, तो रिसीव कितने, 1,55,000. ओके क्लियर. 1,000 पेमेंट नहीं हुई उसको डेबिट कर दी, जो एडवांस पेमेंट की है उसको हमने क्रेडिट कर दिया. फर्स्ट कॉल ने रिसीव एक्सपेक्ट ऑन 1,000 share एंड फाइनल कॉल रिसीव इन एडवांस ऑन 2,000 share. फिर है फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. फाइनल कॉल की ड्यू की 50,000 × 4 2 lakh. अब इसकी रिसीव की, अब फर्स्ट फाइनल कॉल के 8,000 rupees का उसके एडवांस रिसीव हो चुके हैं. अब उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है. बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल. जब एडजस्ट करते कॉल इन एडवांस को डेबिट कर, जब रिसीव करते उस टाइम कॉल इन एडवांस क्रेडिट होता है. 2 lakh रिसीव होने थी, 8,000 क्या हो गई, कॉल इन एडवांस का एडजस्ट करते तो रिसीव कितना, 1,92,000. अब दोबारा बेटा रिपीट कर देता हूँ. ओनली हमें यहाँ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एंट्री करनी है. फर्स्ट कॉल की ड्यू की इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50 × 3 150.
एक शेयर ने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं किया और एक शेयर ने फाइनल कॉल की फर्स्ट कॉल साथ क्या कर दी पेमेंट, तो 1000 तो कॉल इन एरर है, 2000 क्या है कॉल इन एडवांस, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल इन एडवांस, फाइनल कॉल कितने 4 की 2000 टू 4 8000 150, कॉल इन एरर 1000 टू 3 3000 1,05,000, 150 होगा 150 रिसीव ने 1,55,000। अब ड्यू की फाइनल कॉल की इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 15 into 4 2,02,00,000। अब फाइनल कॉल के 8000 के हो चुके एडवांस इश्यू हो चुके, अब उनको क्या करना है एडजस्ट करना है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2,00,000 रिसीव होने थे, 8000 एडवांस इश्यू हो तो 1,92,000। अब जो फर्स्ट कॉल के फाइनल कॉल रिसीव हुए थे कैंटी करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट या कॉल इन एरर अकाउंट या फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3000 एरर थे। ओके थैंक्स।